इस खूबसूरत लड़की का नाम है हर्षिता, जिसे मेकअप करने का बहुत ही शौक है। जब ये शहर में पढ़ती थी तब उसने ब्यूटीशियन से मेकअप का कोर्स किया था। अरे वाह अर्षिता, तुम्हें तो बहुत अच्छा अच्छा मेकअप करना आता है, कहाँ से सीखा है? अरे आएगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने ब्यूटीशियन से मेकअप करना जो सीखा है। अरे वाह, मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलूं। चलो अच्छा है, तो फिर डाल कब रही हो ब्यूटी पार्लर अर्षिता? शादी के बाद। तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी तो मुझे पापा पैसे देंगे ही नहीं, उनको तो ऐसा लगता है कि शादी ही सब कुछ है। कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर डलवा कर मुझे लड़की की कमाई थोड़ी ना खानी है। तुम्हारे पापा भी ना। बेटा तुमको क्या क्या काम करना आता है? मुझे खाना बनाना और मेकअप करना तो बहुत ही अच्छे से आता है। और ये मेरा लड़का है, टीचर की नौकरी करता है। अरे वाह भाई, आपका लड़का नौकरी करता है टीचर की, इससे बढ़िया बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो इनकी शादी फिक्स कर देते हैं और हमारा मुंह मीठा करवाइए। गौरव को हर्षिता एक ही नज़र में पसंद आ जाती है, क्योंकि वो है ही इतनी सुंदर। 3 महीने बाद गौरव और हर्षिता की शादी हो गई। अरे तुम्हें घर में कोई तरह की परेशानी तो नहीं है? नहीं जी, पर मुझे मेरा एक ही सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलूं। बहुत ही अच्छी बात है, ब्यूटी पार्लर तो हम जरूरी खोलेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर खुलवा दूंगा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कहाँ से खुलवाऊँ इसे ब्यूटी पार्लर। अब चलो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ तो जी, कब खुलवा रहे हो? अच्छा, ब्यूटी पार्लर? फोन रखो। हाँ बोलो। अच्छा जी, कब खुलवा रहे हो ब्यूटी पार्लर? मैं कहाँ से खुलवाऊँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर, हमारी तो इतनी सेविंग भी नहीं है। अच्छा जी, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ये लीजिए आप, ये मेरा कंगन बेच दीजिए। अरे ये तो तुम्हारे पापा ने दिया था। अगर ये कंगन मेरे काम में नहीं आएंगे तो इनका क्या मूल्य है? आप इन्हें बेच दीजिए, फिर मैं ब्यूटी पार्लर खोल दूंगी। गौरव बाजार जाता है और बाजार से कंगन बेचकर कुछ पैसे कमाकर लेके आता है। लो भाग्यवान, तुम्हारे कंगन के पैसे। कितने सारे पैसे हैं। अब मैं इनसे मेकअप की सारी चीजें खरीदूंगी। हर्षिता ने उन रुपयों से मेकअप का बहुत सारा सामान खरीद लिया। हर्षिता ने अपने गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया और गांव की बहुत सारी लड़कियां मेकअप करवाने आने लगी। कौन है? मुझे ना अपना फेस का क्लीन अप करवाना है, फेशियल करवाना है। तो आइए ना बहन जी, बैठिए। मेरा ना पहले थोड़ा सा मेकअप भी कर देना, ठीक है? अब दिन ब दिन हर्षिता का ब्यूटी पार्लर बहुत ही तेजी से चलने लगा और उन्होंने बड़ा सा बंगला खरीद लिया। अरे वाह, आपका ब्यूटी पार्लर तो कितना अच्छा है, मेरा चेहरा कितना ग्लो शाइन कर रहा है यार। थैंक यू सो मच। अच्छा आप बताइए मुझे, आपके पैसे कितने हुए? 300 रुपए। ओके 300। सच में ना आपका पार्लर बहुत ही ज़्यादा मस्त है। थैंक यू। 100, 200 and 300। और आते रहना ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, जरूर आऊंगी मैं तो। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। थैंक यू। वेलकम।
माय नेम इज बार्बी। वाओ कितना प्यारा नाम है। अभी अभी लंदन से आई हूँ। आपके इंडिया में कितनी गर्मी फैल रही है। अरे कोई बात नहीं, वो हमारे घर पर पंखा है, मैं चला दूंगी, आप अंदर आइए। आपको क्या कराना है वैसे? फैशन, डायमंड फैशन, डायमंड फेशियल करवाना है मुझे। चलो बैठिए। वाओ आज तो मैं डायमंड फेशियल कराने वाली हूँ, क्या मजा आएगा। खूबसूरती दिखूंगी, खूबसूरत। इसको यहाँ पे रख दीजिए, बहुत ही महंगा चश्मा है, 1 करोड़ का चश्मा है। लंदन से आई हूँ, लंदन से, बहुत महंगी चीज है, खरीदती हूँ। कितने रुपए का होगा डायमंड फेशियल? पूरे 1000 का होगा। एक, अरे 1000 नहीं, 1001 रुपए दे दूंगी। अब मुंह बंद कर 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 करवा लीजिए। हाँ हाँ, क्या खूबसूरती, मजा आ रहा है। और क्रीम लगाइए। और लगा रही हूँ, लगा रही हूँ। आपके पार्लर की बात में लंदन तक सुनिए, लंदन तक इसलिए आई हूँ आपके पार्लर तक मेकअप कराने। आपके आप आईज क्लोज कर, क्लोज कर लीजिए। आपके पार्लर में तो कुछ जादू है, ऐसा लग रहा है कि मैं हीरोइन होने जा रही हूँ। हाँ जादू ही है, मेरे पार्लर में तो बहुत से लोग आते हैं देश विदेश के। चलिए अब आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं आंखों का पार्लर मेकअप कर देती हूँ। मुझको तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कि मैं हीरोइन बनती जा रही हूँ, करिश्मा कपूर। हीरोइन बन गई हूँ मैं तो, करिश्मा कपूर। मुझको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया में सुंदर हूँ, सुंदर, इससे भी सुंदर मेकअप वाली। अरे अच्छे से कीजिए बहन जी, बहन जी मेरी आँख में घुस गई। ओ मैं धीरे से ही कर रही हूँ बहन जी, आपको महसूस हो रहा है? हाँ महसूस, मुझको तो ऐसा भी हो रहा कि हीरोइन नहीं बन गई। मिसेस बार्बी आप थोड़ा चुप बैठेंगी, मेकअप बहुत, मैं मेकअप के लिए बहुत क्लाइंट बाहर कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। क्लाइंट को मैसेज दोगी क्या? अरे क्लाइंट फैलाइंट का भाड़ में, पहले मुझे मेकअप करो, मैं फ्री के रुपये नहीं दे रही, 1000 रुपये 1 रुपये दूंगी। ठीक है आपका मेकअप हो चुका है। अभी नहीं और करो मुझे, अरे 5 रुपये और दे दूंगी। बस थोड़ा लिपस्टिक लगाना और बाकी रहेगा यार, थोड़ा ही पीछे क्या। अरे आप चुप बैठो मिसेस बार्बी। मजा आ रहा है इसलिए। ये लीजिए मिसेस बार्बी, आपका मेकअप हो गया है। हो गया है? देखो मत इधर, मेरे फेस में बहुत फेस है। ये लो आपके 1101 रुपए, मैं जाऊं। थैंक यू, बाय। यू आर वेलकम। और आती रहना ऐसे ही हमारे पार्लर में। हाँ सुनो जी, सुनो जी, इधर आना जरा। अरे क्या हुआ? देखो इस महीने हमारी पूरे 30,000 का मुनाफा हुआ है, देख लीजिए। अच्छा दिखाना। अरे बाप भाग्यवान, तुम्हारे पैसों से तो घर का कितना खर्चा चल रहा है, अगर तुम ना होती तो मैं तो मर ही गया होता। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो जी, मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना, मेरा आपकी हर परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी भी तो है ना। कितनी अच्छी बीवी मिली मुझे। अब तुम्हारी वजह से हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू तुम क्यों कह रही हो? थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। बहू तुमने तो हमारे घर का नाम रोशन कर दिया, पहले हमें घर के खर्चा चलाने में बहुत तंगी होती थी। घर के साथ साथ अर्जिता तुमने मेरी आर्थिक कामों में भी मदद की है। हर जन्म में मुझे तुम जैसी ही बहू मिले।